नमस्कार साथियों, चंद्रा आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो ये वीडियो आपके सामने लाया गया है, ये एक वर्षीय कोर्स हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, इसके बारे में आपको सूचना देने के लिए है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह के कोर्स के बारे में आपको इस समय बताने की आवश्यकता क्यों है। सबसे पहली बात कि ये कोर्स बहुत ही शॉर्ट टर्म है, सिर्फ एक साल का कोर्स है, और इस कोर्स को करने की इस समय पे आवश्यकता क्यों है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले 3 से 4 महीनों में पूरे वैश्विक स्तर पर कोरोना महामारी ने किस तरह से हमारे स्वास्थ्य को, हमारे समाज को और हमारे देशों की अर्थव्यवस्थाओं को किस तरह से प्रभावित किया है, और इन अर्थव्यवस्थाओं के और इन सारी बीमारियों की वजह से सबसे पहला आघात जो हुआ है, जो सबसे पहली चोट हुई है, वो हमारे रोजगार के ऊपर हुई है। तो आज के समय में ऐसे कोर्सेज की आवश्यकता है जो शॉर्ट टर्म हो, छोटे हों और हम लोगों को रोजगार देने वाले हों। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इस कोर्स का नाम हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर है। इसको शॉर्ट में HSI भी कहते हैं। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि क्या इस कोर्स के प्रॉस्पेक्ट्स हैं और इन प्रॉस्पेक्ट से आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो कुछ इस कोर्स के डिटेल के बारे में आप अगली स्लाइड में देखेंगे कि ये कोर्स NCVT नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड है, और इस कोर्स को करने के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो हाई स्कूल है। दोस्तों, जैसा आप लोग जानते हैं कि NCVT भारत के अंदर सबसे बड़ी संस्था है, सबसे बड़ा बोर्ड है जो वोकेशनल ट्रेनिंग का सर्टिफिकेशन करता है। ITI के जितने भी कोर्स होते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर्स में जो भी कोर्स चलते हैं, वो सारे के सारे कोर्सेज NCVT से ही मान्यता प्राप्त होते हैं। तो ये भी कोर्स जो हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर के बारे में, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में बताया जा रहा है, वो कोर्स भी NCVT न्यू दिल्ली से ही एफिलिएटेड है। सबसे खास बात NCVT का कोर्स करने का सबसे महत्व यह है कि NCVT से किया हुआ कोर्स किसी भी संस्था में आप अगर रोजगार के लिए जाएंगे, वो चाहे प्राइवेट संस्था हो, सरकारी संस्था हो, अथवा विदेश भी अगर आप जाते हैं, तो ये NCVT का ही सर्टिफिकेट वहाँ पर मान्य है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, मगर चूंकि ये विषय बहुत ही महत्व का है, इसलिए थोड़ा सा धैर्य के साथ आप लोग साथ दीजिएगा। क्वालिफिकेशन इस कोर्स को करने के लिए हाई स्कूल है, और इसका ड्यूरेशन 1 ईयर है। एक साल में ये कोर्स समाप्त हो जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हाई स्कूल एक बहुत ही सामान्य क्वालिफिकेशन है, बहुत सारे बच्चों को जो इस कोर्स को कर सकते हैं, और थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों पोर्शन होते हैं इसमें। करीब 30-40% का थ्योरेटिकल होता है और करीब 50-60% प्रैक्टिकल पोर्शन होता है। और इस कोर्स को करते करते रेगुलरली आपका मंथली असेसमेंट होगा, हर महीने एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा, और फाइनल एग्ज़ाम जो उसका एक साल के बाद होता है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। इसको करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसको NTC बोलते हैं, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। तो दोस्तों, ये रहा इस कोर्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल। आप जैसा कि इस इमेज में देख सकते हैं कि किस तरह से हेल्थ चेकअप्स और स्वास्थ्य संबंधित बातें आपको इस कोर्स में बताई जा रही हैं। ये सैनिटेशन के कुछ व्यूज़ हैं, कुछ लेबोरेटरी के व्यूज़ हैं, और फर्स्ट एड किट्स के साथ ये हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका व्यू है। आप इस कोर्स के सिलेबस के बारे में हम आपको जानकारी देंगे कि इस कोर्स में आपका क्या क्या, किन किन फील्ड्स को कवर किया जाता है। सबसे पहली फील्ड है न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन यानी कि पोषण, जो हमें अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए और अपने जीवन को चलाने के लिए और उसके साथ साथ बीमारियों से अपने आप को बचाने के लिए किस तरह का भोजन लिया जाए, ये एक हेल्थ इंस्पेक्टर के नज़रिए से उसको जानना बहुत ही आवश्यक है। दूसरी बात, कॉमन डिजीज़ के बारे में, जो सामान्य डिजीज़ होती हैं। दोस्तों, चूँकि ये कोर्स बहुत छोटा है, इसलिए इसमें सामान्य डिजीज़ के बारे में, सामान्य बीमारियों के बारे में ही बताया जाता है। इसमें कोई विशेष बीमारियों के बारे में नहीं बताया जाता, क्योंकि उसके लिए मेडिकल के कोर्सेज हैं और बहुत सारे कोर्सेज। चूँकि ये पैरामेडिकल का ही कोर्स है, तो पैरामेडिकल स्टाफ होने के नाते उसको सामान्य बीमारियों के बारे में भी पता होना चाहिए। और जो तीसरी फील्ड है, पर्सनल हाइजीन, स्वयं को स्वच्छता रखना।
हर एक व्यक्ति को किस तरह से पर्सनल हाइजीन मेंटेन करे वो, इसके बारे में भी इसको बताया जाता है। क्योंकि उसको अगर पर्सनल हाइजीन के बारे में बताया जाएगा तभी वो दूसरों को पब्लिक हाइजीन के बारे में भी वो जान पाएंगे। तो पर्सनल हाइजीन, पब्लिक हाइजीन, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आज के समय में सबसे ज़्यादा रिलीवेंट है, दैट इज़ पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ के बारे में भी इस कोर्स में कवर किया जाता है कि किस तरह से कैसे पूरा सिस्टम चलाया जाए, जिस संस्थान में आप जाएं काम करने के लिए उस संस्थान में किस तरह से वहाँ पर काम करने वालों के लिए वो पूरा का पूरा माहौल बीमारी से मुक्त रहे और लोगों को कोई भी बीमारी से संबंधित कोई भी स्थिति वहाँ पर क्रिएट ना होने पाए और लोगों को प्रॉब्लम ना हो। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स। इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स एक जनरल टर्म है, इसका तात्पर्य ये होता है कि आपात की स्थिति में, किसी भी तरह के आपात की स्थिति में स्वास्थ्य संबंधित किस तरह से आप उस आपात की स्थिति को मैनेज करेंगे, जिसको फर्स्ट एड के रूप में भी कहा जाता है। फर्स्ट एड बहुत ही एक जनरल टर्म है, बट इमरजेंसी प्रोटोकॉल एक स्पेसिफिक और साइंटिफिक टर्म है जो कि यहाँ पर सिखाया जाता है कि अगर आपके किसी को चोट लग जाए, कट जाए, जल जाए, हाथ पैर टूट जाए, सांप काट ले या कोई बेहोश हो जाए तो किस तरह से उस समय पे उसको आपको करना है, कहीं आग लग जाए तो, इन सारी चीज़ों के बारे में इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स भी उसको हर एक फील्ड के लगभग जितने जनरल होते हैं वो सारे के सारे सिखाए जाते हैं। और एक चीज़ और सिखाई जाती है, वो होता है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन मतलब वैक्सीनेशन करके किस तरह से बीमारियों से बचाया जाए, बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो साथियों, आपको जो ये 6-7-8 फील्ड बताई गई हैं ये मोटे मोटे हैं, इन्हीं के आसपास पूरा एक साल में आपका कोर्स चलता रहता है और इसी से रिलेटेड आपको थ्योरी भी पढ़ाई जाती है और इसी से रिलेटेड आपको प्रैक्टिकल्स भी करवाए जाते हैं। अब जब आप इस कोर्स को करके तैयार होते हैं, इसको ये सारी बातें आपको बताई इसलिए जाती हैं ताकि आपके रोल्स निर्धारित हों। जिस फील्ड में आप जाएंगे, जहां पर भी आप जॉब करने जाएंगे या जहां पर भी आप काम करेंगे या अपना व्यवसाय भी करेंगे, तो आपके क्या क्या रोल्स होंगे और क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे। सबसे पहला आपका रोल होगा हाइजीन ट्रीटमेंट। जिस भी संस्थान में आप नौकरी कर रहे होंगे, जहां पर आप हेल्थ सुपरवाइजर होंगे या सैनिटरी इंस्पेक्टर होंगे, वहां पे किस तरह से हाइजीनिक माहौल रखा जाए, स्वच्छता का माहौल रखा जाए, तो हाइजीन से संबंधित सारे कामों की देखरेख करना आपकी जिम्मेदारी होगी। दूसरा काम है जो सबसे महत्वपूर्ण है, सैनिटाइजेशन। सैनिटाइजेशन मतलब रोग मुक्त करना, किस तरह से उस पूरे प्रक्षेत्र को, उस पूरे के पूरे संस्थान को, उस पूरी पूरी प्रेमिसेस को आप सैनिटाइज करेंगे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आप लोगों से करवाएंगे। थर्ड है डिजीज़ कंट्रोल। कोई भी ऐसी गतिविधि जिससे कोई बीमारी हो सके, ऐसी गतिविधि को भी रोकने के लिए जो भी आवश्यक होगा वो सारे कार्य आपकी ही जिम्मेदारी पे होंगे। फोर्थ है पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी। कोई ऐसा मौका आता है जहां पर किसी भी तरह से पब्लिक गैदरिंग हो रही है या लोगों का आवागमन हो रहा है, वहां पर कोई भी ऐसी गतिविधि को होने से रोकना है कि लोगों में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी फैले। इन सब के साथ साथ जैसे भी आप लोगों ने क्वारंटाइन और आइसोलेशन मैनेजमेंट के टर्म सुने होंगे, अभी कोरोना के दौर में आपने सुना है, बट सैनिटरी वालों को ये बहुत पहले से ही पढ़ाया जाता रहा है कि किस तरह से किस बीमार आदमी को किस तरह से क्वारंटाइन करना है, उसको किस तरह से आइसोलेशन में ले जा करके उसका मैनेजमेंट करना है। तो ये सारी बातों में हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर का जो भी स्टूडेंट होता है, जो भी कार्यकर्ता होता है, वो अपने आप में परफेक्ट होता है। उसके बाद हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर के लोग अवेयरनेस प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करते हैं। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अवेयरनेस प्रोग्राम, जन जागरूकता के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कराना। तो जन जागरूकता के कार्यक्रम ये लोग ऑर्गेनाइज कराते हैं ऐसे क्षेत्रों में जाकर के जहां पर लोगों को अपने स्वास्थ्य से संबंधित, अपने न्यूट्रिशन से संबंधित, अपने आप को हाइजीन से संबंधित रखने के बारे में जहां जानकारी देनी होती वहां जाकर के ये लोग जांच के कैंप लगाते हैं, प्लस साथ में उनको बताते हैं। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जब आप जॉब में जाएंगे। इन सब के अलावा बेसिक एंड रूटीन हेल्थ चेकअप, जैसा अभी हमने आपको शुरुआत में भी बताया कि हेल्थ चेकअप और स्वास्थ्य मेलों के माध्यम से ये लोग लोगों की बेसिक हेल्थ चेकअप, जो सामान्य हेल्थ, एक हेल्दी व्यक्ति के शरीर में क्या क्या गुण होने चाहिए उन सारों को देखना, प्लस साथ में रूटीन हेल्थ चेकअप, जो एक निश्चित अंतराल के बाद स्वास्थ्य की क्या स्थिति है
उसको देखने का काम। तो ये दोनों काम हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर का ही व्यक्ति करता है। और अगला पॉइंट है एपिडेमिक, एंडेमिक एंड पेंडेमिक डिजीजेस, अलग अलग रोगों के फैलने के विस्तार के आधार पर उनको अलग अलग नामों से बांटा गया है। जैसे कि आपने अभी पेंडेमिक सुना होगा, पेंडेमिक ऐसे रोग होते हैं जो पूरे विश्वव्यापी होते हैं, जो अंतर महाद्वीपीय होते हैं। एपिडेमिक और एंडेमिक, एपिडेमिक बहुत ही एक सीमित क्षेत्र की बीमारियां होती हैं और एंडेमिक एक मध्यम सीमित क्षेत्र की बीमारियां होती हैं। तो इस तरह की बीमारियों के भी जब कंट्रोल की बात आती है तो हेल्थ और सैनिटरी इंस्पेक्टर के ही लोग इन बीमारियों के कंट्रोल करने में मेडिकल स्टाफ के साथ पूरा का पूरा सहयोग देते हैं। और सबसे अंतिम पॉइंट जो आप देख रहे हैं यह है डाटा कलेक्शन एंड नोटिफिकेशन। डाटा कलेक्शन, स्वास्थ्य संबंधित डाटा कलेक्शन करना हो, न्यूट्रिशन से संबंधित डाटा कलेक्शन करना हो, किसी बीमारी के फैलने से संबंधित डाटा कलेक्शन करना हो, जैसा कि भी आप लोग देख रहे होंगे कोरोना के दौर में बहुत सारे आंकड़े आते हैं, उन सारे आंकड़ों को लेने में भी ये पैरामेडिकल स्टाफ हेल्थ सैनिटरी का मेडिकल कॉलेजेस में और हॉस्पिटल्स में उनकी मदद करता है। उसकी पूरी ट्रैवल हिस्ट्री लेने में, उसकी फैमिली की हिस्ट्री लेने में, सारी हिस्ट्री को लेने में उसकी मदद करता है। और दूसरा पॉइंट है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन जब आप कहीं पर सुपरवाइजर होते हैं या इंस्पेक्टर होते हैं या कोई एक रिस्पॉन्सिबल पद पर होते हैं तो स्वास्थ्य संबंधित कोई भी स्थिति उस संस्थान में ना पैदा हो या कुछ भी ऐसी चीज़ ना हो, उसके लिए आप समय समय पर लोगों को नोटिफाई कराते रहते हैं। इसमें आप देख सकते हैं जैसे ये लोग डाटा कलेक्शन कर रहे हैं या फूड इंस्पेक्टर के तौर पर किस तरह से काम कर रहे हैं। और इसमें और कुछ पॉइंट है, स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन जो भारत सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, उसमें भी स्वास्थ्य एवं न्यूट्रिशन से संबंधित जो भी काम है उसके लिए हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर बहुत ही जिम्मेदारी से अपना रोल निभाते हैं। अगला पॉइंट है हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज। जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, अभी तक हम लोग इससे ऊपर जो भी सारे पॉइंट्स थे वो सारे के सारे पॉइंट्स गवर्नमेंट से रिलेटेड या सरकारी योजनाओं से संबंधित थे। अब नीचे कुछ बताए गए हैं वो प्राइवेट सेक्टर में, कि किस तरह से प्राइवेट सेक्टर में काम होता है, किस तरह से वहाँ पर हेल्थ और सैनिटरी इंस्पेक्टर के लोगों की आवश्यकता है। तो साथियों, हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज, मतलब जो भी जितने भी व्यवसायिक प्रतिष्ठान होते हैं, जितने भी औद्योगिक प्रतिष्ठान होते हैं, हर जगह पर साफ सफाई, स्वच्छता और स्वास्थ्य, इन सबको मेंटेन करना बहुत ही आवश्यक होता है। क्योंकि अगर नहीं मेंटेन किया जाएगा तो वहाँ पर बीमारियों का प्रकोप हो सकता है। तो उसके लिए हर जगह पर हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट होता है। वहाँ पर सबसे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अगर कोई होता है तो वो हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर का व्यक्ति होता है। होटल इंडस्ट्री में हर एक होटल में कंपलसरी है, दे मस्ट हैव अ सैनिटरी इंस्पेक्टर। सैनिटरी इंस्पेक्टर का वहाँ पर एक बहुत ही जिम्मेदार पद होता है, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों से लोग आते हैं, अलग अलग देशों से लोग आते हैं, अलग अलग बीमारियों की भी संभावनाएं होती हैं। कुछ कंपनी रिलेटेड टू क्लीनिंग सर्विसेज, कुछ कंपनियां जो कि क्लीनिंग सर्विसेज, सफाई से संबंधित क्षेत्रों में काम कर रही हैं, वहां पर एज ए सुपरवाइजर और एज ए मैनेजर, सारे क्लीनिंग स्टाफ को मैनेज करने के लिए हेल्थ और सैनिटरी इंस्पेक्टर के लोगों को अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है वेस्ट मैनेजमेंट, कूड़ा प्रबंधन। कूड़ा प्रबंधन आज के समय में बहुत बड़ी चुनौती है। तो उस चुनौती से निपटने के लिए बहुत सारी अलग अलग प्रक्रम बनाए गए हैं, जिसमें सॉलिड ठोस कूड़ा प्रबंधन या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो गए या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हो गया, इन सारे प्लांट्स में भी हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर के ही लोगों का ही सारा महत्व होता है। इस सबके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण पब्लिक गैदरिंग मैनेजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ हेल्थ। जहाँ कहीं कोई मेले का आयोजन हो रहा है, किसी प्रदर्शनी का आयोजन हो रहा है या किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, तो वहाँ पर भी हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का व्यक्ति जा करके वहाँ की सारी स्थिति को अपने हिसाब से मैनेज करता है कि यहाँ पर कोई भी बीमारी किसी तरह से ना फैलने पाए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है कि हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर से रिलेटेड आप इस कोर्स को कर लेंगे, इन सारी चीज़ों को कर लेंगे तो आपको जॉब कहाँ कहाँ मिलेंगी। तो साथियों, कुछ सेक्टर हैं जिनके बारे में हम आपको यहाँ जानकारी देंगे कि कहाँ कहाँ HSI का कोर्स करने के बाद जॉब पा सकते हैं। सबसे पहले तो सबसे बड़ा जो रिक्रूटर है आपका, वो जितनी भी म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, वो चाहे नगर पालिकाएँ हों, नगर महापालिका हों, नगर निगम हों या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हों, जितने भी म्यूनिसिपैलिटीज़ के विभाग हैं, सब में एज ए सैनिटरी इंस्पेक्टर पद होता है। सरकारी भी हो सकता है या संविदा पर भी हो सकता है।
तो सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए और उनके लिए सबके लिए अलग 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 योग्यताएं हैं कि आपने हाई स्कूल के साथ सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा किया है या इंटर विज्ञान के साथ किया है, वो आपका निर्भर करता है कि किस तरह से किस पद के लिए अर्हता आई है। दूसरा है हेल्थ डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग में मलेरिया इंस्पेक्टर का पद आता है, हेल्थ सुपरवाइज़र का भी पद आता है। तो इन दोनों पदों पर भी सैनिटरी इंस्पेक्टर के ही लोग अप्लाई कर सकते हैं। रेलवे भी दोस्तों अपने आप में एक बहुत बड़ा उपक्रम है भारत सरकार का, भारत सरकार का विभाग है जो कि हेल्थ इंस्पेक्टर, असिस्टेंट हेल्थ इंस्पेक्टर और हेल्थ सुपरवाइज़र, इन सारी पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकालता है और लोगों को रिक्रूट करता है। हर एक स्टेशन पे और ट्रेन पे सैनिटरी इंस्पेक्टर के ही लोग सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं। फिर एक और विभाग है भारत सरकार और सारी प्रदेश सरकारों का, फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट, जो कि अलग अलग नामों से होता है। वहाँ पर एक पद होता है फूड इंस्पेक्टर का, जो कि अब फूड इंस्पेक्टर की भी पोस्ट के लिए हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा मान्य है। इसके अलावा जितनी भी हाउसकीपिंग की इंडस्ट्रीज़ हैं उन सारी इंडस्ट्रीज़ में भी हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा ही मान्य है। क्लीनिंग एंड हाइजीन मैनेजमेंट कंपनीज़, बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो क्लीनिंग और हाइजीन मैनेजमेंट का काम करती हैं, वैसी सारी कंपनियों में भी हेल्थ एंड सैनिटरी का डिप्लोमा किए हुए लोग अपने आप को अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पर कंज्यूम करा सकते हैं। और बहुत सारी आउटसोर्सिंग कंपनीज़ हैं जो कि इस समय सरकारी काम भी कर रही हैं प्लस साथ में प्राइवेट कंपनी का भी काम करती हैं। तो ऐसी आउटसोर्सिंग कंपनीज़ में भी आप इस सर्टिफिकेट को लेने के बाद आप काम कर सकते हैं। अब आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि इस कोर्स को हम कहाँ से करें। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि ये YouTube चैनल चंद्रा ITI लखनऊ का है, तो आपको जान करके ये खुशी होनी चाहिए कि लखनऊ के अंदर हम एकमात्र ऐसे संस्थान हैं, चंद्रा ITI एकमात्र ऐसा संस्थान है जहाँ पर हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स होता है, और कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है लखनऊ में जहाँ पर हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स होता हो। और पिछले 4 वर्षों से हम लोग ये कोर्स करवा रहे हैं। हमारे यहाँ के छात्र बहुत सारे संस्थानों में कार्यरत हैं, बहुत सारी जगहों पर कार्यरत हैं। तो मैं आप सारे लोगों से निवेदन करूँगा कि इस कोर्स के बारे में और जानकारी लेने के लिए जो संस्थान का नंबर दिया हुआ है उस पर संपर्क करके आप और जानकारी ले सकते हैं और प्रवेश के बारे में भी बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक करें। थैंक यू।